हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो देखो यार, आज हम बनाने वाले हैं एक फैमिली एक्सपेंस ट्रैकर वेब एप्लीकेशन। जी हाँ, ASP.NET में हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे आप अपने डेली जो आप एक्सपेंस करते हो, जो भी आप खर्चे करते हो, उन सब का रिकॉर्ड आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। उनको आप यहाँ पे जैसे आप डायरी में सारा चीज़ नोट करके रखते हो, वैसे ही आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से जो जो आप खर्चे करते हो एक दिन में, तो डे टू डे जो भी आप खर्चे करते हो उसको आप यहाँ पे एक रिकॉर्ड उनका मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, कि हमने क्या क्या कहाँ कहाँ कितना कितना रुपया खर्चा किया, वो सारी चीज़ें। और इससे आपको एक एक रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा कि हाँ, हमने एक मंथ में कितना खर्चा किया, कहाँ कहाँ किया, कौन सा खर्चा ज़्यादा था, उन सारी चीज़ों पे आप एक क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हैं ना कि कौन सा हमारा ऐसा खर्चा है जो फालतू है या जो ज़्यादा है, या हमने जो प्रीवियस मंथ में या करंट मंथ में कितना किस मंथ में कितना ज़्यादा खर्चा किया, किस मंथ में हमने सेविंग की। तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेगी कैसे, वो इस एप्लीकेशन की हेल्प से। तो गाइज, इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें चाहिए एक फ्रेमवर्क, एक IDE जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो ये मेरे पास है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2010। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सेम कोड आप वहाँ पे भी अप्लाई करो, बिल्कुल अच्छे से चलेगा। और जिनके पास विजुअल स्टूडियो नहीं है गाइज, तो आप क्या करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ हमें चाहिए डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर डेटाबेस, और इसमें हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल बनाएंगे, और वहीं पर हम क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड को सेव करेंगे गाइज। तो ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को हम बनाएंगे, और इस एप्लीकेशन में सबसे पहले जो होगा हमारा एक होगा लॉग इन फॉर्म, और लॉग इन फॉर्म के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा जहाँ पे आप जो आपका एक्सपेंस है, जो भी है आपका डिटेल, वो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए इसे हम क्रिएट करते हैं। तो गाइज, अगर आपको HTML नहीं आता ना, तो उसका भी HTML सिर्फ अगर आपको नहीं आता या फिर आपको मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं आता, तो उसका भी मैं आपको एक सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज सर, यहाँ पे आप पहले तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे चलेंगे फाइल पे। फाइल पे आने के बाद आपको चलना है न्यू पे, और हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। कुछ ही देर में आपके सामने एक छोटा सा विंडो आएगा, यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक इम्पटी वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ और ये एक नाम मैंने दे दिया, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसको मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, तो ये हमारा सी शार्प इसमें हम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने सी शार्प सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। अब उसके बाद चलेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर राइट हैंड साइड में। अगर आपको ये विंडो नहीं दिख रहा है तो चलेंगे हम यहाँ पर आएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी विंडो मिल जाएगी, और इसके साथ ही आपको कंट्रोल टूल बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तब भी ऊपर होके आएगा। अब इसमें बाय डिफॉल्ट एक होता है वेब डॉट कॉन्फिग्स फाइल, तो इसे डिलीट मत करना मेरे भाई, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये हर प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ताकि हमें क्रिएट ना करना पड़े। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, एक वेब फॉर्म यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड न्यू आइटम पे चलेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं .expx इसका एक्सटेंशन है और डिफॉल्ट इसका नाम है, तो इसके नाम को मैं क्या कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ लॉग इन। ठीक है, तो पहला जो फॉर्म होगा हम चाहते हैं इसे लॉग इन फॉर्म हो हमारा, और ये बना हमारा ओके, इसको मैंने ऐड कर लिया, तो हमारा लॉग इन फॉर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब बात आती है कि हम इस फॉर्म को डिजाइन कैसे करें। ओके माय डियर, तो फॉर्म को डिजाइन करना बड़ा ही आसान है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है फॉर्म, फॉर्म का स्ट्रक्चर बिल्कुल HTML ही है इसमें, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो नया है। तो आपको पता ही है हेड क्या है, बॉडी क्या है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म टैग, फिर DIV। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है। अब यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल में क्या दे सकते हैं, टाइटल में आप दे सकते हैं लॉग इन। ठीक है, ये आपने दे दिया, इसे सेव कर लीजिए। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, एक लॉग इन फॉर्म डिजाइन करना है। तो लॉग इन फॉर्म डिजाइन करने के लिए, जैसा मैं कह रहा था कि अगर आपको HTML और CSS उतने अच्छे तरीके से नहीं आती, या फिर अगर आप डिजाइन इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो डोंट वेरी, अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं बना पाते तो डोंट वेरी यार, आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा सोल्यूशन है जो कि है बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो आपको W3
ये जो स्कूल, ये W3School.com ये जो वेबसाइट है सबको पता है, तो आप इस वेबसाइट पे आना और यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे W3 Bootstrap 3, ठीक है, Bootstrap 3 ये सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, Bootstrap 3। तो यहाँ पे बहुत सारे थीम्स हैं, इनमें से डिफरेंट तरह की वेबसाइटों का क्या क्या थीम होता है वो आपको बताया गया है चार छः। जैसे कि अगर ब्लॉग है तो ब्लॉग के लिए कुछ ऐसा थीम होता है, पोर्टफोलियो तो उसका कुछ ऐसा थीम होता है, अगर कोई वेब पेज है तो उसका ऐसा थीम होता है, सोशल मीडिया जैसे रिलेटेड कोई वेब पेज है तो उसका ऐसा थीम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ है, ऑनलाइन स्टोर है तो कुछ एनालिटिक्स है, तो इस तरीके कुछ बेसिक्स जो आपके टाइप ऑफ वेब साइट होती है उनके कुछ फॉर्मेट यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो अब मैं चाहता हूँ इनमें से कोई एक फॉर्मेट पे यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो वेब पेज है अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये ओपन होके आ गया। तो गाइस यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जो लॉगिन वाला पेज है वो कुछ ऐसा दिखे, ठीक है, ऐसा दिखे, तो ये ऐसा लोगो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मेनू है, यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, और ये इस तरीके से। तो ओके, तो ये होगा हमारा लॉगिन के लिए। ओके, तो अभी क्या करते हैं, जैसे कि ये जो है तो हम इसी को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो हम क्या क्या कॉपी करेंगे, सबसे पहले देखो करना क्या है आपको, आप यहाँ पर आएंगे, ये नेविगेशन यहाँ पे देख रहे हैं, नेव टैब, ठीक है, तो ये वाला ये मीनू के लिए है पूरा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम पहले पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहां से लेके फुटर तक हमने ये कर लिया कॉपी, फुटर तक हमने इसे कॉपी किया, कहाँ से लेके, यहाँ से नेप से लेके फुटर तक कॉपी कर लिया। चलेंगे अपने पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो DIV है इसी के अंदर हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, तो ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और इसमें क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हमें चलना है यहाँ पे कुछ, जैसे कि मेटा टैग है, और ये कुछ बूटस्ट्रैप की जो लिंक है, CDN लिंक, ये बहुत जरूरी है, बिना इनके आप बूटस्ट्रैप को एक्सेस नहीं कर सकते। और बूटस्ट्रैप को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, या तो आप बूटस्ट्रैप की फाइल को ऐड कर लो, मतलब डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके उस फाइल को आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लो, या फिर उसका जो URL है बूटस्ट्रैप का आप वो यूज कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप का URL यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। सब कुछ कहाँ पर है, ये जो पूरा जो कोड था, ये पूरा जो स्क्रिप्ट था, ये पूरा कॉपी कर लो, आपको जैसे जैसे मैंने बताया है, तो ये जो सेक्शन है हेड वाला सेक्शन हेडर में जाएगा और बाकी जो सेक्शन है वो बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब हम क्या करते हैं, अब इस पेज को आप राइट क्लिक करेंगे और चलेंगे ब्राउजर में, इस पेज को हम देखेंगे कि कैसा हमें दिखेगा। ओके गाइज, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये पेज ब्राउजर में रन हुआ और यहां पर ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस पेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई मतलब अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे, हमें इसमें से हमें क्या नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ ये जो राइट साइड में जो मीनू आ रहा है ये मीनू ना आए, ठीक है, तो इसको हमें हटाना है। तो जो लिंक आ रहे थे तो यहाँ पर ये देखो ये लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इन सबको यहाँ से कर देते हैं डिलीट। तो जैसे मैंने इसको रिमूव किया ये यहाँ से हट गए। अब हम इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो ये जो मेनू आ रहे थे, एक मिनट, इसको हमने क्या किया, इसको हमने सेव कर लिया, और फिर से हम क्या करेंगे इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से ये मीनू हट गया। अब उसी तरीके से हम चाहते हैं यहाँ पे हमारा कुछ जो हमारा एप्लीकेशन है उसका नाम है, और फिर यहाँ से मैं ये तीनों जो ऑप्शंस है मैं इन सबको हटाना चाहता हूँ। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मीनू यहाँ पे ना हो, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अबाउट की भी ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, उसके बाद ये जो हमारा लॉगिन है ये सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये एप्लीकेशन है, हमारा जो एप्लीकेशन है इसका नाम है फैमिली एक्सपेंस ट्रैकर, हम ये भी दे सकते हैं, तो हम पूरा का पूरा ये नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, ये नाम हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, बैड रिक्वेस्ट, ओके रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, फैमिली एक्सपेंस ट्रैकर, तो ये नाम बहुत ही बड़ा हो गया, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो छोटा कैसे करेंगे, हम इसे करेंगे ऐसे, एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है, तो इतना भी लंबा चौड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा भी लगे, तो मैं चाहता हूँ कि ये इसके बराबर पर आए, होम। ओके, अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम और ये आपका होम, इस तरफ है लॉगिन। ओके, तो फिलहाल ये जो लॉगिन है, ओके लॉगिन है, तो यहाँ पर इस मेनू की जरूरत हमें नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसे लॉगिन पेज बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इस बीच में ही हम क्या बना दें, लॉगिन बना दें। तो हम क्या करेंगे,
हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम ये लॉगिन का ये जो ऑप्शन है इसको यहाँ से जो टेक्स्ट है इसे रिमूव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका तो इन सबको हम यहाँ से कर देंगे यहाँ से डिलीट, ये मैंने डिलीट कर दिया। फिर दूसरा है यहाँ पे ये है ऐड के लिए, ठीक है, इन सबको रहने देते हैं। फुटर में क्या कर देंगे, फुटर में हम जैसे कि फुटर में चाहते हो यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे ठीक है कोडर बाबा हम ये कर सकते हैं। इसको हमने सेव कर लिया और अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे ये आपको किसी तरीके से दिख रहा है हमारा ये पेज। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिंक आ रहा है इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मीनू वाला ये जो ऑप्शन है पूरा इसके में जरूरत नहीं है। इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ से ये जो सिंबल आ रहा था ये गायब हो जाएगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ इसी बीच वाले एरिया में मैं बनाना चाहता हूँ लॉग इन फॉर्म। तो लॉग इन फॉर्म कैसे बनेगा, देखो चलेंगे बूटस्ट्रैप पे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक पैनल करके आपको मिलेगा यहाँ पे, तो ये रहा पैनल, इस पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे पैनल आपको नजर आएंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये वाले पैनल, ठीक है, तो हम इन्हीं को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला पैनल अच्छा लग रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट ये हेडर है, ये पेज कंटेंट है, फुटर भी होता है इसमें, फुटर है किसी में। ओके, तो एक मिनट हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये है पैनल का बॉडी, पैनल का फुटर नहीं है क्या किसी में। ओके, तो गाइस हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम ये कॉपी करते हैं, ये मैंने लिया यहाँ से पैनल, पैनल बॉडी है यहाँ पे, और ये वाला जो देख रहे हैं आप इसको करना है कॉपी, इसको मैंने किया कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर आ जाते हैं और हम यहाँ पे बनाएंगे ये बड़ा वाला बॉक्स जो देख रहे हैं यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस पैनल को पेस्ट कर दिया, जब हमने पैनल को पेस्ट किया, देखो एक चीज़ क्या है, इस कोड को आपको क्या अरेंज करना है, तो क्या लिखें, कंट्रोल के डी, ठीक है, जैसे कंट्रोल के डी आप दबाए हुए तो ये जो कोड आपने सेलेक्ट किया था वो पूरा अरेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये क्या है, पैनल है, एक एक डीआईवी बनाया आपने, यहाँ पे स्टार्टिंग है यहाँ पे क्लोजिंग है, तो इसका पैनल है, ये डिफॉल्ट पैनल है, और यहाँ पे क्या होगा, पैनल बॉडी है और पैनल का फुटर है। अब इसमें क्या होता है, पैनल का हेडर, अब पैनल का हेडर कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको पैनल का हेडर, ये आपने कॉपी किया पैनल हेडर, और यहाँ पे बॉडी से पहले हम क्या करेंगे पैनल हेडर, इसको सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउजर में, यहाँ पे इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज पैनल हेडर, ये आपका कंटेंट यानी बॉडी है और ये आपके पैनल का फुटर है। तो अब इसको थोड़ा सा कलरफुल करना है, कलरफुल करने के लिए आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कलर मिलेगा, ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला पैनल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये पैनल प्राइमरी आप ये कॉपी कर लो, ठीक है, और हम चलेंगे अपने यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट पैनल है ना इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको हम बोल देते हैं पैनल प्राइमरी। अब क्या होगा, अब जब आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो ये आपको व्हाट हैपेंड, अब जब आप इसे रिफ्रेश करोगे तो अब ये आपको ये पैनल जो क्या है ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, अब थोड़ा सा ऊपर से ये थोड़ा सा सटा हुआ है एकदम, तो अगर आपको इसमें स्पेस चाहिए तो क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक ब्रेक लगा सकते हैं, लाइट ब्रेक, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, एक हमारे लाइट ब्रेक दिया यहाँ पे और यहाँ पे इंटर किया, सही है, ठीक है, तो आई थिंक सब यहाँ से सब जो है ऊपर से कट गए, तो ये जो बी आर मैंने यहाँ पे दिया इसको यहाँ से नहीं देंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, हम आएंगे इस वाले कॉलम में और यहाँ पर हम इसे दे देंगे। तो जो बूटस्ट्रैप है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको क्या करना है, पहले एक रो बनानी है और उस रो में आप मैक्सिमम जो है 12 कॉलम आप बना सकते हो, ठीक है,
तो आपको इस तरीके से करना है। तो कभी फुर्सत में मैं आपको बूट स्टेप बताऊंगा, एक उस पर एक अच्छा सा पेज डिजाइन करके बताऊंगा कि कैसे उस पर काम करते हैं। अभी के लिए मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि कैसे अगर आपको फास्टर तरीके से बनाना है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा कोड भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ से इसकी आप हेल्प ले सकते हो। देखो बूट स्टेप का क्या है, अगर आप एक एप्लीकेशन पर काम करोगे और उस एप्लीकेशन पर आप बूट स्टेप यूज़ करते हो, तो आई एम श्योर कि बूट स्टेप आपको तुरंत आ जाएगा। मतलब आप अगर एक एप्लीकेशन बनाते हो बूट स्टेप की हेल्प से, तो आपको बूट स्टेप ईजिली है। बस आपको क्या करना है, क्लास का नाम याद रखना है, बस बस क्लास का नाम आपको याद रखना है, और एक रो और कॉलम वाला आपको जो फंक्शन है वो आपको वो समझना है कि एक रो बना दिया, एक रो में आपको मैक्सिमम 12 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, छः छः आपने 2 कॉलम बनाए, ठीक है। अब जो आपने 2 कॉलम बनाए, तो अब जो पहला कॉलम है उसमें भी आप 12, जो पहला कॉलम है उसमें भी आप 12 कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, रो दे के, फिर उसमें रो लगा दो, फिर उसमें 12 कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे मतलब कि आप जैसे कि सपोज करो एक एप्पल है, एक एप्पल को आपने आधे भाग में मतलब 2 भागों में तोड़ा, अब जो उसका पहला भाग है उसको काटो, उसको भी 2 भाग में तोड़ो, फिर जो दूसरा भाग है उसको भी आधे आधे भाग में तोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से वो टूटता चला जाता है। तो सेम यहाँ पे फंक्शनलिटी है। अब हमें क्या करना है, देखो अब ये हमारा क्या होगा, ये होगा लॉग इन। तो यहाँ पे क्या देंगे, ये मैंने दिया इसे लॉग इन, इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लॉग इन, ठीक है, यहाँ पर आया लॉग इन। अब मैं चाहता हूँ ये जो कंटेंट यहाँ पे पेज कंटेंट एरिया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे बनाना है कंट्रोल लेने हैं। तो देखो कंट्रोल लेने के लिए क्या करना है, मैं ये बॉडी है तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है रो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास, और क्लास का नाम क्या देंगे, हम देंगे रो। ओके तो क्लास का नाम मैंने क्या दिया, रो दिया। अब ये रो बन गया। अब मैं चाहता हूँ इस रो में मुझे क्या करना है, मुझे इस रो में क्या करना है, 2 कॉलम क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो फिर बनाएंगे एक डीआईवी, लिया मैंने एक डीआईवी। अब इस डीआईवी को जो हम कॉलम बनाना है, तो क्लास, अब यहाँ पे कॉलम कई तरीके से बन सकते हैं, तो हम हमेशा की तरह जो मुझे पसंद है वो है कॉल एमडी, ये दिया मैंने इसे आई थिंक 2, ठीक है, ये कॉलम हो गया। अब इस कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बंद करना है, ठीक है, कॉल MD2, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, रो को भी यहाँ पे ये क्लोज करना है, ठीक है, ये दिया मैंने कॉल MD true। अब ये जो है कॉल MD true, इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी हमें एक DIV लेना है, ये लिया मैंने एक DIV। अब इस DIV में क्या देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास, क्लास का नाम क्या होगा, क्लास का नाम होगा फॉर्म ग्रुप, ठीक है, हमने लिया फॉर्म ग्रुप। और ये अब इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हम क्या लेंगे, हम लेंगे लेबल, मैंने लिया एक लेबल। इस लेबल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम, ओके। और इस लेबल के जस्ट बाद हमें क्या करना है, या फिर इस लेबल के जस्ट बाद, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस लेबल के बाद हम एक नया कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं इसे क्या करूँगा, कंट्रोल के कंट्रोल डी, अब ये हो गया अच्छे वे में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो दो रास्ते हैं, अगर मैं यहीं पर एक टेक्स्ट बॉक्स में ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे टूल बॉक्स में चलेंगे, तो हम जो लेंगे टेक्स्ट बॉक्स वो क्या होगा, वो होगा डायनेमिक कंट्रोल। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या करेंगे, इसका एक क्लास का नाम होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, CSS क्लास, और इक्वल टू हम क्या करेंगे, कोटेशन यहाँ पे होता है फॉर्म कंट्रोल, ओके। ये आप फॉर्म कंट्रोल कर देंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स को एक अच्छा सा शेप दे देगा। अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब तक जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, यूजर नेम, और नीचे आपको मिल रहा है टेक्स्ट बॉक्स। पर मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स हो ये इसके सामने आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और अभी के लिए क्या करेंगे, ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट, मान लो टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैंने किया कॉपी, और पूरा यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसमें से क्या करेंगे, हम लेबल को हटाएंगे और इसकी जगह पे ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इस पेज को हम करेंगे एक बार रिफ्रेश, देखते हैं क्या होता है, बैड रिक्वेस्ट, क्यों बैड रिक्वेस्ट भाई, ये क्या हो गया। ओके अब देखो ये यूजर नेम है, और यहां पर क्या मिल रहा है आपको, टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल रहा है, ओके ओके। अब ये मुझे शायद इन लाइन नहीं लग रहा है, जब आपको इन लाइन नहीं लग रहा है तो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं फॉर्म,
इज लाइट। ओके ओ फॉर्म। ओके तो ये भी एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है इससे। बैड रिक्वेस्ट। ओके ठीक है गाइस, तो अब आई थिंक ये मैंने ट्राई किया पर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे क्या करूंगा, इसको मैं यहां से करूंगा कट और यहां पे लेबल के नीचे लाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। और यहां पर देखो ये आपको हटा देना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसको इस साइज को थोड़ा सा मैं कर दूंगा नंबर 4। ठीक है ये हो गया नंबर 4। और यहां पे भी इसको मैं क्या कर दूंगा नंबर 4, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। अब यहां पे भी क्या करते हैं लेबल ले लेते हैं और ये, और यहां पे लाके मैंने इसको, एक मिनट, यहां पे फॉर्म ग्रुप है ही, ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया। यहां पे क्या देंगे, यहां पे देंगे पासवर्ड। ओके ये आपका टेक्स्ट बॉक्स 2 है फर्स्ट क्लास, ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये आपका एक रो हो गया। ठीक है अब जब आप इस पेज को आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड, और मैं चाहता हूं यहीं पर बगल में ही क्या आ जाए, एक बटन आ जाए, या बटन हम नीचे भी लिख सकते हैं, तो बटन को हम नीचे कर देते हैं। ठीक है तो बटन को क्या करेंगे, तो बटन के लिए ये एक रो है यहाँ पे। अब इस रो के जैसा हम एक और रो बना देते हैं, यहाँ पे किया div क्लास, क्लास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे रो, ये आपका क्लास हो गया। अब इस क्लास के अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे किया था तो ये वाला जो div है यहां से यहां तक पूरा किया कॉपी, और आएंगे जो अभी नया वाला क्लास मैंने रो क्रिएट किया यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसमें से क्या करेंगे लेबल, और आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए बटन चाहिए। तो हम यहाँ पर आएंगे, ये लिया मैंने बटन, बटन का टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा लॉग इन। ठीक है इसका नाम भी आप दे सकते हो btn लॉग इन। ओके ये मैंने इसे सेव कर लिया, वापस आते हैं इस पेज पे। अब इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया, बैड रिक्वेस्ट, कसम खा रखी है क्या, फर्स्ट टाइम पे बैड रिक्वेस्ट। तो देखो यहाँ पे देखो ये यूजर नेम हो गया, ये आपका पासवर्ड हो गया। ओके अब यहाँ पर क्या है, ये बटन बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो इस बटन को थोड़ा सा हम स्टाइलिश बनाते हैं। स्टाइलिश बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लगाना है CSS क्लास, और यहाँ पर आपको क्या नाम देना है, आपको लिखना है btn। ठीक है बटन लिखना है, तो ये बटन शेप में होगा। अब बटन के भी कई सारे टाइप हैं, बटन डैश एक तो है आपका सक्सेस, SUCCES, सक्सेस करेंगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे btn डैश, ये क्या हो जाएगा lg, lg का मतलब लॉन्ग, और आप इसे सेव कर लो। इसके बाद जब आप इसे रिफ्रेश करोगे 1 रिफ्रेश 2, तो देखो ये आपका बटन आ गया लॉगिन। ठीक है तो btn से बटन हुआ, btn सक्सेस से, सक्सेस का मतलब ग्रीन, ग्रीन कलर का बटन बनेगा। आप इसे डेंजर कर दोगे तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है तो क्लास के नाम है इस तरीके से आपको मिल जाएगा बटन पे, आप यहां पर आओगे तो ये बटन है। ठीक है बटन पे क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पे देख लो ये प्राइमरी बटन है, प्राइमरी लिखेंगे तो इस कलर का हो जाएगा, मैंने सक्सेस लिखा है तो ग्रीन कलर का, इन्फो हो इन्फो लिखेंगे तो इस कलर का हो जाएगा, वार्निंग लिखेंगे तो ये हल्का सा ये ऑरेंज और येलो का वाला हो जाएगा। ठीक है डेंजर लिखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये सारे बटन के क्लास के नाम है। ओके तो ये आपको दिख रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि यूजर नेम तो यूजर नेम हो गया, पर पासवर्ड में क्या होना चाहिए, पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए, आपको पासवर्ड वाले कंट्रोल बॉक्स में आना है। मान लो ये पासवर्ड है, यहाँ पे होता है एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट मोड करके। अब टेक्स्ट मोड क्या देना चाहते हैं, तो मैंने कहा टेक्स्ट मोड में देना चाहता हूँ पासवर्ड, तो पासवर्ड, तो पासवर्ड को ब्रैकेट में रखेंगे डबल कोटेशन ऐसे। ठीक है ये पासवर्ड, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जब आप इसको कुछ यहाँ पे लिखोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है पासवर्ड के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्लास। तो ये तो हमारा था लॉग इन फॉर्म, अब जब हम, ठीक है ये हमारा लॉग इन फॉर्म है, अब क्या करेंगे एक काम और करते हैं, ये जो हमारा बटन है ना लॉग इन बटन, देखो दो चीज है, या तो आप डिजाइन व्यू पे चलो और फिर जो आपको बटन दिखेगा उस बटन पे करना है आपको डबल क्लिक। ठीक है इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका क्लिक इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपको वहां नहीं जाना तो एक नया टेक्निक बताता हूँ। यहां पर आएंगे क्या होता है बटन का क्लिक का इवेंट, ऑन क्लिक, ठीक है ऑन क्लिक, ये आ गया ऑन क्लिक। अब जैसे आप यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे कोटेशन लगाओगे तो यहाँ पे ये क्या कहता है, आई थिंक नए वाले विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे सजेशन आ जाता है कि क्रिएट न्यू। ठीक है तो यहाँ पे वो सजेशन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर वही पुराना फंडा कि डिजाइन व्यू पे चलेंगे और यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक,
इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका क्लिक इवेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक इवेंट आ गया। तो भाई सबसे पहले हम डेटाबेस से जब इंट्रैक्ट करेंगे ना, तो हमें चाहिए दो नेम स्पेस। पहला नेम स्पेस क्या है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है, नंबर वन, और इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, क्योंकि हमारा एसक्यूएल सर्वर है, और एक और यहाँ पर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे सिस्टम डॉट, ये आपका होगा कॉन्फिगरेशन, क्योंकि हम वेब कॉन्फिक्स में अपना क्या लिखेंगे, अपना जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड होगा हम वेब डॉट कॉन्फिक्स में बनाएंगे उसे। ओके, तो अब देखो ये तो हो गई भाई कि फॉर्म की डिजाइनिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जब मैं लॉग इन करूंगा तो कहीं ना कहीं से मुझे अपना यूजर नेम पासवर्ड मैच कराना होगा, उसके लिए हमें डेटाबेस बनाना होगा। तो हमारे पास जो डेटाबेस है, तो हम एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं, तो मैंने एक क्या बनाया है, एक डेटाबेस क्रिएट किया जिसका नाम क्या दिया, होम एक्सपेंस। इसके अंदर मैंने बनाए हैं टोटल 1 2 3 4 फोर टेबल बनाए हैं। ठीक है, फोर टेबल। अब ये टेबल क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो मेरा टेबल है, ये टेबल है, इसका डिजाइन मैं आपको दिखाऊं, तो पहला टेबल है टेबल लॉगिन। लॉगिन वाले टेबल में क्या होता है, इसमें देखो यूजर नेम होता है और पासवर्ड होता है। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड, एनवेरकर एनवेरकर, ये होती है दो चीजें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना होगा एक्सपेंस टाइप। एक्सपेंस टाइप में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक टेबल बनाएंगे टीबीएल एक्सपेंस टाइप, इसमें होगा ये एक्सपेंस आईडी जो होगा वो इंटीजर होगा, प्राइमरी की होगा, और इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे ट्रू कर रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, आइडेंटिटी यहाँ पे यस है। ठीक है, और जो आपका एक्सपेंस टाइप है वो एनवेयर केयर है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे जो डेटा है मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सपेंस टाइप से मेरा क्या मतलब है, एक्सपेंस टाइप से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि ऐसे खर्चे जो हाउस में हुए हैं, जैसे कि हाउस का रेंट, ठीक है, तो वो हाउसिंग बिल हो गया। फूड, ऐसे खर्चे जो अपने फूड पे खर्च किए, खाने पीने पे, तो वो फूड में चला जाएगा। अब जैसे कि आपके पास इंश्योरेंस है, ठीक है, बाइक का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, ईएमआई, जो भी बहुत सारी चीजें, तो वो इंश्योरेंस में चला गया। अब ट्रांसपोर्टेशन में चलिए, जैसे कि अगर आपने वोला, ठीक है, उबेर या फिर रैपिडो, तो अगर आप कैब के द्वारा कहीं आ जा रहे हो, मेट्रो के द्वारा कहीं आ जा रहे हो, तो जो खर्चे हैं वो आपको, उसके लिए आपको एक एक्सपेंस का टाइप या एक्सपेंस का कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा ट्रांसपोर्ट। आपने लोन ले रखा है, कार लोन है, बाइक लोन है, हाउस लोन है, तो वो आप उसके कैटेगरी रखेंगे लोन। टैक्स भर रहे हैं तो वो इंटरटेनमेंट, जैसे कि मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है, और फिर अमेजन प्राइम का ले रखा है, हॉटस्टार का ले रखा है, तो ये सारे कहाँ जाएंगे, इंटरटेनमेंट। फिर आपने थिएटर में मूवी देखी, डीवीडीज परचेस करके ले आए, तो ये सब सारे क्या है, इंटरटेनमेंट वाले में ही जाएंगे ना, तो ये सब सारे खर्चे हो जाएंगे आपके। तो ये एक कैटेगरी हो गई एक्सपेंस टाइप की। उसके बाद अब ये जो एक्सपेंस टाइप है, अब इस टाइप एक्सपेंस टाइप में भी आपको मिलेगा सब टाइप। तो एक्सपेंस सब टाइप, सब टाइप में मतलब आपका एक्सपेंस सब टाइप आईडी, एक आईडी होगी, और आपका जो एक्सपेंस टाइप था मेन, जैसे कि हाउसिंग है, जैसे कि मैंने कहा हाउसिंग एक्सपेंस टाइप क्या है, ID 1 यानी हाउसिंग, और ये क्या है, रेंट दिया है। ठीक है, हाउसिंग में बहुत सारी चीजें, हाउसिंग में क्या है, आपका रेंट है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ठीक है, मेंटेनेंस है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रेंट दिया घर का, फिर इलेक्ट्रिसिटी घर का, गैस है, वाटर है, ठीक है, टेलीफोन है, मेंटेनेंस पे कुछ खर्चे लग गए, ठीक है, वेस्ट रिमूवल पे, ये सब क्या है, ये सब नंबर वन यानी हाउसिंग वाले के ही है। अब इसका जो टेबल आप कैसे बनाओगे, तो इसका जो डिजाइन व्यू है आप इस तरीके से देख लो, तो डिजाइन व्यू बड़ा ही आसान है, और यहाँ पे ये होगा एक्सपेंस, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंस सब टाइप आईडी इंटीजर होगा, आइडेंटिटी ट्रू होगी, ये आपका एक्सपेंस टाइप है, ये कि इंटीजर होगा, और सब टाइप जो होगा एक्सपेंस का वो डिस्क्रिप्शन। तो इसका मैं आपको जो क्वेरी होगा, ये पूरा क्वेरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से। तो पहला जो टेबल होगा, ये टेबल होगा, उसके टेबल को क्रिएट करने की क्वेरी, आप इसमें चाहो तो ईमेल और रोल भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेंस टाइप, तो यहाँ पे एक्सपेंस आईडी इंटीजर है, आइडेंटिटी है इसका ट्रू, और प्राइमरी की है। दूसरा क्या होगा, एक्सपेंस टाइप, वो आईडी है, ये एक्सपेंस का टाइप है, ये एक्सपेंस का आईडी है, ठीक है। एक तीसरा टेबल आप बनाएंगे एक्सपेंस सब टाइप करके, जिसमें कि आपका
जो मेन टाइप है वो क्या है, दिस इज फॉर मेन टाइप, और ये उसका सब टाइप जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब आता है आपका एक टेबल, एक्सपेंस टेबल, जहां पे आप अपना जो भी डेली खर्चे होंगे वो आप यहाँ पे भरेंगे। जैसे कि डेट क्या था, ठीक है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे डेट क्या है पेमेंट का। ठीक है, अब आपने उसे कहाँ पे खर्च किया, मतलब यहाँ से आपको एक्सपेंस जो मेन एक्सपेंस टाइप होगा आपको वो बताना है कि हाउसिंग में दिया, टैक्स में दिया, ट्रांसपोर्टेशन में दिया, या फिर इंश्योरेंस में दिया। ठीक है, कहाँ पे दिया। और ठीक है, अब जैसे कि अगर आपने मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में दिया, तो सब कैटेगरी क्या थी, तो फेयर था, रेंट था, मतलब फेयर था, आप कहीं मैंने बस या टैक्सी फेयर था, तो आप सब टाइप में आप बस टैक्सी फेयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मान लीजिए आप सिटी सेंटर से कहाँ जा रहे हैं, आप सिटी सेंटर से डीएलएफ मॉल जा रहे हैं, तो आप मतलब मेंशन कर सकते हैं उसमें ये सब सारी चीजें। और फिर कितना अमाउंट था, ठीक है, कितने रुपए आपने दिए, फिर डेट क्या था, और यहाँ पर था एक क्रिएटेड बाय, तो जो बंदा लॉगिन होगा, जो बंदा सबमिट कर रहा है, तो उसी का नाम यहाँ पर आ जाएगा कि हाँ ऑटोमेटिकली आपको नाम भी नहीं देना है। ठीक है, तो ये तो टेबल है, डोंट वरी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आप वीडियो से देख ले तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटाबेस, तो डेटाबेस हमारा यहाँ पे क्रिएटेड है। अब हम चलते हैं कोडिंग सेक्शन की तरफ, ठीक है, बढ़ते हैं कोडिंग सेक्शन की तरफ, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे तीन जो नेम स्पेस है वो हमने यहाँ पे दे दिए। अब हमारा पहला काम बनता है कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने का। तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने क्या बोला था आपको कि आप यहाँ पे वेब डॉट कॉन्फिक्स में रखिए। इससे क्या होगा कि हमारा कनेक्शन सिर्फ एक प्लेस पे होगा, और जब भी कभी आपको कनेक्शन को चेंज करना होगा तो सीधा वेब डॉट कॉन्फिक्स में आओ, यहाँ पर आके चेंज कर दो। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ये लिखा मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एड, एड के बाद देंगे यहाँ पे नेम, और नेम के बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं exp, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं इसका। अब इसके बाद क्या रखेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड देना है। कनेक्शन स्ट्रिंग के कोड के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर नेम आपका क्या होता है, प्रोवाइडर नेम मैं बताऊँ आपको, ये होता है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये आपका होता है प्रोवाइडर नेम। ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये प्रोवाइडर नेम हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की, इसकी बात, सॉरी कनेक्शन स्ट्रिंग की बात आती है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड आपको कैसे मिलेगा, तो देखो सबसे आसान से तरीका क्या है, सबसे आसान से तरीका अगर आपको नहीं आता तो सिंपली क्या करना, वेब फॉर्म पे आना, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे लगा देना। ये लगा दिया मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे क्या है, चूज डेटा सोर्स, तो चूज डेटा सोर्स पे क्लिक किया। अब यहां पर आएंगे न्यू डेटा सोर्स पे, ठीक है, न्यू डेटा सोर्स पे आएंगे। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस पेज को डेटाबेस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ जो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है। देखो अगर आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप हमेशा वही कोड यूज करिए, कोई टेंशन नहीं। पर आपको नहीं याद है कि क्या क्या होता है, डेटा सोर्स, फिर इनिशियल कैटेलॉग, फिर इंटीग्रिटी सिक्योरिटी, क्या क्या चीजें होती है नहीं पता होता आपको, तो उसके लिए आप सिंपल ये वाला मेथड जो है मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करिएगा। तो आप क्या करना है, डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर बाद आपके सामने एक और विंडो ओपन होकर आएगी। इस विंडो में क्या करना है आपको, यहां से आपको लेना है क्या, न्यू कनेक्शन, न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा विंडो। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, डेटाबेस हम यूज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, पर हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर, तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्वर का नाम, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से डॉट वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा बस, फिर नीचे आइएगा, यहाँ पे ये कह रहा है आपका डेटाबेस सेलेक्ट करिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस की लिस्ट आ जाएगी, नंबर आप जितने भी डेटाबेस है सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस है उसका नाम है एच से, ये होम एक्सपेंस, ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक कर दिया भाई साहब। यहाँ पे अब देखिए यहां पर आपको लिखा है कनेक्शन स्ट्रिंग, इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा ये छोटा सा कोड है, याद रखेंगे तो बहुत आसान है, पर अगर आपको नहीं याद है तो पता भी होना चाहिए कि कैसे आपको ये कोड लेना है। अब ये जो कोड है ये आपके सिस्टम के हिसाब से, ये कोड सिस्टम टू सिस्टम बदल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे,
अब ये जो आपने ड्रॉप डाउन ले रखा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस ड्रॉप डाउन को डिलीट कर देंगे, सब कुछ सेव कर लेंगे, वापस चलेंगे web.configs में। अब जो कोड मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब वो कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सब कुछ परफेक्ट है, इसको सेव कर लेंगे, कनेक्शन भी हमारा यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड आ गया। अब चलते हैं लॉग इन कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब ये है आपके लॉग इन बटन का कोड, ठीक है। लॉग इन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप सबसे पहले जो वैलिडेशन का काम होता है, तो वैलिडेशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल के जितने भी ये टूल है, ठीक है, चाहे वो रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर हो या फिर और कस्टम वैलिडेटर हो, कंपेयर वैलिडेटर हो, रेंज वैलिडेटर हो, ठीक है, ये जितने भी वैलिडेटर हैं इन सब के बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप उस वीडियो को देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें इस टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करना है। वैलिडेशन का मतलब कि कभी ऐसा ना हो कि यूजर ने यूजर नाम इंटर ही नहीं किया और वो लॉगिन पे क्लिक कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो गया, रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर तक और आपने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो एक तो ये तरीका है, या एक दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिक्वायर कर सकते हो ना, रिक्वायर क्यू, ओके, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम रिक्वायर्ड। अगर आप रिक्वायर्ड लिख देते हैं तो क्या होता है, काम होगा, एक मिनट जरा सा हम इसे रिफ्रेश करेंगे। तो लॉगिन का कोड करने के लिए हमारे पास यहाँ से ऑलरेडी मेरे पास कोड अवेलेबल है, तो मैं वो कोड यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ से हमने ये कोड किया कॉपी, ये पूरा कोड है लॉगिन का, इसको मैंने कॉपी कर लिया। देखो तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लगाएंगे इफ कंडीशन, ठीक है। इसका काम क्या होगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट जो टेक्स्ट है, अगर ये क्या ना हो, ये इम्पटी ना हो, ठीक है, और एंड जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है ये भी क्या ना हो, ये भी आपका इम्पटी ना हो, ठीक है। अगर ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स इम्पटी नहीं है तब तो सही है, फिर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लॉगिन करेंगे। अब यहां पर जो लॉगिन का कोड है मैं उसे यहां पे पेस्ट कर देता हूं, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन का कोड पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या नहीं करना, ये जो चीज है ओके, यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस लेबल की जरूरत नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हम किस में दिखा रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं स्क्रिप्ट, सॉरी उसमें क्या बोलते हैं उसे, अलर्ट बॉक्स में दिखा रहे हैं, ठीक है। जो भी मैसेज होगा वो हम अलर्ट बॉक्स में यहाँ पे दिखाएंगे, और ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से ये जो मैसेज है, ये मैसेज मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इस मैसेज को हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, और ये लेबल हम यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, ओके। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे, हमारा जो टेबल है लॉगिन वाला, तो लॉगिन वाले टेबल में हमारे पास है दो कॉलम, एक है यूजर नेम, दूसरा है पासवर्ड। तो यहाँ पे क्वेरी लिखना है आपको, सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, यूजर नेम कॉमा लगाएंगे, पासवर्ड फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टीबीएल लॉगिन, वेयर जो आपका यूजर नेम होगा, पासवर्ड, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये हमारा कोड हो गया। अब ये हमारा क्या है,
दिस इज स्टोर प्रोसीजर नहीं है, ये क्या है, सिंपल ये टेक्स्ट है, यहाँ पे लिखेगा डॉट, ये क्या है, टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो ये जो नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी ई एक्स टी, और यहाँ पे आप ये यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, फिर इसको कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है। ओके, इसे मैंने सेव कर लिया। अब हमारे पास क्या है, ये है कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, तो अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग देखो आएगा कहाँ से, कनेक्शन स्ट्रिंग का जो कोड होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा, तो उसका भी कोड हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे, ये इसको मैंने कॉपी किया, इस मेथड को आप कहीं भी बना दीजिए, ऊपर टॉप पे यहाँ पे मैंने बना दिया। मेथड का नाम क्या है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वेब डॉट कॉन्फिक्स में जो हमने कनेक्शन बनाया था, इसका जो नाम है ई एक्स पी, ये नाम हम कॉपी कर लेंगे और इसी नाम को हम लाके यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर देंगे। ओके, और हम इसे सेव कर लेंगे, ये परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेथड का नाम है इसको करेंगे कॉपी, इस नेम को हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे हम यहाँ पे ये मेथड कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम ये मेथड कॉल करेंगे, ये मेथड कॉल होगा यहाँ पे, और ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, वो ये वाला पूरा का पूरा आपका जो पाथ होगा कनेक्शन स्ट्रिंग का, वो रिटर्न करेगा। इसको सेव कर लीजिए, फिर ट्राई कैच दिया है, कनेक्शन ओपन हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर रिकॉर्ड होगा और जब वाइल लूप आपका ट्रू हो जाएगा तो ये क्या कहेगा, तो यहाँ पे अलर्ट में आपका जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे यूजर नेम, ये टाइप की जरूरत नहीं है, अगर आप टाइप भी लेंगे तो ये आपकी हेल्प करेगा, टाइप वाला सेक्शन, तो यहाँ पे टाइप वाला कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ठीक है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। इन सारे कोड को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता, क्यों, क्योंकि ये कोड तब आपके काम आएंगे जब आप एडमिन और यूजर रोल भी आप क्रिएट करोगे, कि नहीं मैं चाहता हूँ कि एडमिन और यूजर दो अलग अलग यूजर यहाँ पे काम करें, तो उसके लिए नहीं, तो ये आपका फर्स्ट फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो सेशन नाम का एक वेरिएबल होगा, ये इसमें ये वाली वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है एक पेज बनाएंगे होम पेज करके, ठीक है, या डैशबोर्ड करके, तो उस पेज पे हम मूव कर जाएंगे। तो ये मैंने कॉपी किया और मान लो ये पेज यहाँ पर है, ठीक है, ये एडमिन है, इसका नाम दे देते हैं होम। ओके, तो इसको मैंने सेव कर लिया। अब जब मैंने इसे सेव कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल कोटेशन और यहाँ पे लिखाएंगे प्लस, इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डबल कोटेशन एंड डबल प्लस, इसके अंदर लिखेंगे ई एक्स डॉट मैसेज भी हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको मैंने सेव कर लिया। अब क्या करते हैं, इसके बाद ये पेज अभी बनाना बाकी है, ठीक है, और सारी चीज़ें परफेक्टली है, और लास्ट में फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, आपका कनेक्शन क्लोज कर देगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम ये वाला पेज बनाते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर हम एक पेज बनाने वाले हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा होम, तो होम बना लेते हैं। तो बट उससे पहले हम बनाना चाहते हैं क्या, एक मास्टर पेज बनाना चाहते हैं, और उस मास्टर पेज में हम सारी चीज़ें डिफाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे मास्टर पेज, तो ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, एक मास्टर पेज लिया, इसका नाम मास्टर, डिफॉल्ट नेम ही रहने देते हैं, ये हमारा मास्टर पेज है। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे एक पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, होम पेज, इसका नाम है होम पेज, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट मास्टर पेज, ऐड पे आएंगे, और ये जो हमारा मास्टर पेज है इसको हमने यहाँ पे कॉल करा लिया, ठीक है, ये हो गया। अब चलेंगे मास्टर पेज पे, मास्टर पेज का अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। ओके, तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम क्या है, इस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप पूरा कॉपी कर लो, ये मैंने किया कॉपी, और टाइटल में मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब होम पेज को डिज़ाइन करना भी बड़ा आसान है, बट उससे पहले मैं इस एप्लीकेशन को एक बार रन करके चेक करना चाहूँगा कि ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉगिन वाला टेबल है, इस टेबल में यहाँ पे दे सकते हैं आप यूजर नेम पासवर्ड, तो वो मैंने यहाँ पे दिया यूजर नेम पासवर्ड 123 लॉगिन। ओके,
तो आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पे यूआरएल में देखिए हम होम पेज पे आ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, H2 ये कर दिया हेलो, ठीक है, इसको मैंने सेव किया। और यहाँ पे देखो ये जो पेज है, इस पेज को रिफ्रेश करें अगर, इसको मैंने सेव कर लिया, सॉरी कंटेंट प्लेस होल्डर है ना, इसके बाहर लिखना है, ठीक है, इसके बाहर में लिखना है हेलो। और यहाँ पर लाके हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हेलो एडमिन, ठीक है। तो ये पेज हमारा काम कर रहा है। अब हम इस पेज को डिजाइन करेंगे, होम पेज यानी जो हमारा मास्टर पेज है, अब इसकी डिजाइन करेंगे। मास्टर पेज को डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, चलेंगे फिर से बूट स्टेप में आएंगे। अब बूट स्टेप में बहुत सारे यहाँ पर आपके सामने थीम है, तो यहाँ पर कई सारे थीम है आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट आपको मिल रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अब इनमें से कोई एक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी अच्छा आपको लगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्या है पोर्टफोलियो, तो ये वाला यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरीके से डिजाइन आएगा। यहाँ पर आपका नाम मीनू और ये लॉगिन होगा, इसको लॉगआउट कर देंगे और ये इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ये वाला पूरा फॉर्मेट कॉपी करने वाला हूँ। इसको कॉपी कैसे करेंगे, इसको कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो ये हेड वाला सेक्शन वाला पूरा कॉपी कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ से हेडर मैंने कॉपी कर लिया, हेडर कॉपी करेंगे, चलेंगे यहाँ पे। अब ये जो हमारा मास्टर पेज है, मास्टर पेज में ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है ना, इस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जो भी कुछ लिखना है हेड वाला सेक्शन इस हेडर के अंदर लिखना है, यहाँ पे इस कंटेंट प्लेस होल्डर को आपको खाली रखना है, ठीक है। क्यों खाली रखना है, क्योंकि जैसे कि इस मास्टर पेज से मैंने होम पेज को ऐड किया है ना, तो ये जो देख रहे हो ना, ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर यहाँ पे दिख रहा है वो यही वाला है, ठीक है, ये वाला। तो अब जब होम पेज पे कुछ भी डिजाइन करेंगे ना, तो वो सारा कोड हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। जब भी हम होम पेज के अंदर कुछ भी डिजाइन करेंगे तो इस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर ही कोड लिखेंगे, पर मास्टर पेज में इसका जस्ट अपोजिट होगा, इस कंटेंट प्लेस होल्डर के बाहर। तो हम क्या करेंगे, इसके टॉप पे हमने ये कुछ कोड हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हेडर वाला सेक्शन हो गया, अब चलते हैं ये नेविगेशन वाला, यहाँ पर आते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें मीनू चाहिए, तो एक एक करके। तो पहले हमने क्या लिया, मीनू, मीनू किया कॉपी, आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मीनू होगा सबसे पहले, तो यहाँ पे मैंने मीनू पेस्ट किया, रिफ्रेश। अब आते हैं ब्राउजर में, इस पेज को करते हैं एक बार रिफ्रेश। तो इस पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं मीनू आपको दिख रहा है यहाँ पे, सही है। दूसरा काम क्या करना है, हमें यहाँ पर आएंगे, ये वाला था, ये वाला, ओके। अब मीनू के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये जो दिख रहा है ना माय प्रोफाइल, तो वो इससे आ रहा है, तो आप ये कॉपी कर लो, ये किया कॉपी। और हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम इसे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो अगर मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करूंगा, तो हर पेज में ये वाला आपको दिखेगा, ये टाइटल हर पेज में दिखेगा। व्हाट हैपेंड, इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आएंगे रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये आपको हर पेज में दिखेगा, तो मैं चाहता हूँ ये हर पेज में ना आए, जितने भी पेज है सब में ना आए, कुछ कुछ में आए। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जो जंबो टर्म हमने यहाँ पे लिया है, इसको हम नहीं यूज करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, अभी के लिए हटा देते हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम एक एक काम क्या करेंगे, यहाँ से आपको एक मिनट, आप इसको देख लो कैसा इसका डिज़ाइन है। तो ये जो एरिया है सम ऑफ वर्क वाला, ये पूरा एरिया मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टास्क करने वाले हैं। तो अभी के लिए क्या करते हैं,
अभी के लिए एक काम ये करेंगे, पहले तो अब हम फुटर वाला ले लेते हैं, पहले तो हम फुटर ले लेते हैं, यहां से हम चलेंगे। तो ये हमने फुटर लिया, अब फुटर को कहाँ पे पेस्ट करेंगे, फुटर को इस कंटेंट प्लेस होल्डर के बाहर, इसके बाहर लाके हमने फुटर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको हमने सेव कर लिया। अब जरा सा इस पेज को हम करते हैं रिफ्रेश, तो फुटर यहाँ पे दिखाई देगा आपको, फुटर ऊपर आ गया, ठीक है, फुटर ऊपर आ गया। ओके, अभी मैं बताता हूँ क्यों आ गया ऊपर। अब एक काम क्या करना है आपको, यहां से ये वाला जो है टैब, इसमें से ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इस कंटेंट को आपको ऐसे कॉपी करना है, ये किया मैंने कॉपी, आएंगे यहाँ पे और ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। जब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया तो अब मुझे क्या चाहिए,